मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद एसवी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा इससे पहली वीडियो में आपको बिना सूत्र के प्रैक्टिकली क्षेत्रफल कैसे निकलता है, सर्वभुजाएं कैसे 90 डिग्री में होती है, क्योंकि बिना सर्वभुजाएं 90 डिग्री में करे आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, हर चीज़ बताई है बिना सूत्र के डायरेक्ट। तो एक सवाल रिपीट करता हुआ चल रहा हूँ, आज पढ़ाना है मुझे समद्विभाव समकोण और आपका विषमभाव। तो समझे मेरी बात आप, एक समकोण का सवाल रिपीट करता हुआ चल रहा हूँ। समकोण त्रिभुज है, सबको पता है कि 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का लंब कितना है? 6 है, आधार 8 है। कर्ण पूछ लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया। कर्ण कोई भी निकाल लेगा इसका 36 और 64, अंडर रूट 100 यानी कि 10। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है 6 × 8, 6 × 8 = 48। लेकिन 48 आपको पता है ये पूरे का होता है, देख लो चरभुजा 90 डिग्री में होगी, ये पूरे का होता है। इसका जब हाफ करोगे आप तो ये 24 हो जाएगा आपका, किसका? आधे का। क्लियर? 10 और 24 इसका क्या है? आंसर है। आपको पहले पढ़ाया है ये, अब बात करेंगे समकोण में समद्विभाव की। आप समझ गए होगे समद्विभाव का मतलब है कि दो भुजा इसकी बराबर मिलेगी आपको, और समकोण में बात कर रहा है तो 90 डिग्री के आधार पर हो गए सवाल। देख लो आप, समद्विभाव समकोण है, त्रिभुज का लंब और आधार, समद्विभाव भी कैसा है? समकोण है। त्रिभुज का लंब व आधार 8 सेंटीमीटर है। लो जी, आधार भी और लंब भी। तो कर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करें। समद्विभाव समकोण में हमेशा कर्ण भुजा से रोड 2√ फालतू होता है, ठीक है नहीं? 8√2 तो हो जाएगा कर्ण, हमेशा √2 फालतू चलता है। अब बात करें कि इसकी क्षेत्रफल की, 8 × 64, 64 होता है पूरे का, इसका हाफ कर दोगे आप कितना आ गया आपका? 32। तो 32 आ गया आपका हाफ का। क्लियर? इससे अगला सवाल देखिए आप, समद्विभाव क्या है? समकोण है, और कर्ण दे दिया 10√2। अब समद्विभाव भी कैसा है? समकोण है, कर्ण दे दिया 10√2। मैंने बताया था कि भुजा से √2 फालतू चलता है, यानी कि भुजा कितनी है आपकी? 10 है। तो लंब और आधार ज्ञात करना था, 10 आ चुका है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 10 × 10 कितना आ गया? 100 है पूरे का, बटा 2 करो कितना आ गया आपका? 50। क्लियर? 10 और 50। तो आपको समद्विभाव समकोण भी बता चुका हूं। एक किसका देख ला आप, समद्विभाव समकोण में ही क्षेत्रफल दे दिया कितना? समद्विभाव समकोण का जो क्षेत्रफल दिया है 64 दिया है। सबको पता है 64 इसका है। अगर आप 64 का दुगुना कर दोगे कितना आ जाएगा? 8 और 12 128। 128 होता है ये आपका पूरे का। क्लियर? इस बात को लेकर क्या पूछा गया है? कर्ण ज्ञात करें ये बताना है आप। अब एक चीज बताओ, जब ये समद्विभाव समकोण है तो जब मैंने इसको पूरा करा है, 64 इसका था, पूरा कितना है? 128 है। तो इसने क्या रूप ले लिया? समद्विभाव है, इसका मतलब या भुजा बराबर होगी, और इसकी इसकी गुणा यो आ रहा है, जो किसी का वर्ग है नहीं। तो इसका मतलब √128 यहाँ है, √128 यहाँ है, कर्ण निकालना है। तो सबको पता है ये रह जाएगा 128, ये रह जाएगा 128, यानी कि √256। इसका वर्ग है ये 16 का है, तो आपका कर्ण क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो समद्विभाव में मैं आपको समद्विभाव पहले समकोण पढ़ाया है, फिर समद्विभाव समकोण पढ़ाया है। अब जो समकोण नहीं है वो भी देख ले आप, समद्विभाव में समद्विभाव त्रिभुज का आधार, जबकि इससे पहले आप ये सवाल पढ़े, ये है आपका समद्विभाव है लेकिन समकोण नहीं है, देख ले आप, ये वाला बनेगा, यानी कि 90 डिग्री वाला नहीं होता। ए बी सी, ए बी कितना है? 8 है, बी सी 10 है, सी ए 8 है, ए डी बी सी पर लंब है। तो जी,
ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल जब सीधा लंब पड़ता है, जो नीचे की भुजा होती है बराबर डिवाइडेशन होता है 5 और 5। अब आपको दिख रहा होगा तो लंब होता है 90 डिग्री का, देख लो क्या बन गया, समकोण बन गया, ये भी समकोण बन गया। अब आपको यह भुजा निकालनी है क्षेत्रफल के लिए, तो इसमें से घटा दो आप 64 में से 25 जाओगे तो अंडर रूट क्या बचेगा आपका 39। अंडर रूट 39 गुणा 5 में करो तो 5 गुणा अंडर रूट 39 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये लिखा गया आपका ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि जब आप इसको 90 डिग्री में करोगे तो ये वाला त्रिभुज इधर लग जाएगा, पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा, यानी कि जो ये त्रिभुज है आपका, ये तो है आपका ऊंचाई अंडर रूट 39, ये है 5, ऐसा ही त्रिभुज आपका ये का है, देख लो अंडर रूट 39 और 5, जब इसको पलट के लगाओगे आप यहाँ, ये ले लेगा आपका कौन सा रूप, सॉरी देख लो आप, ये 5 है, 5 ऊपर चला गया, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 40, देख लो आप भाई काट के क्या कर रहा है, उल्टा लगा रहा हूँ इसका, ये कितना है देख लो आप अंडर रूट 39, इस त्रिभुज का क्या है अंडर रूट 39, तो कितना है 5 है, तो ये कितना है 5 है, इसका डबल हो गया, आयत का रूप ले लिया, तो 5 गुणा अंडर रूट 39 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती कि भाई अंडर रूट 39 फिक्स है, नहीं, कुछ भी देगा, इसमें से आप घटाओगे तब आपकी ऊंचाई आओगी। प्रैक्टिकल सब पढ़ाए हुए हैं, इस सवाल को देख ले आप, समद्वि बाहु है, दो भुजा बराबर होगी जरूर, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार दे दिया 12, आधार से ऊंचाई दे दी कितनी आपकी 9, त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई आधार से ऊंचाई 9 है, इसका मतलब है जब ऊपर से आया होगा तो बराबर बराबर डिवाइडेशन में बांटा होगा, तो सीधी सी बात क्या है, एक ऊंचाई 9 है, ये 6 है, दो त्रिभुज एक जैसे हो रहे हैं, काट का ऊपर लगाओगे तो कहीं का रूप लेगा, आयत का लेगा, 6 9 54 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब बात करेंगे थोड़ी सी किसकी, मैं आपको समद्वि बाहु पढ़ा चुका हूँ, समद्वि बाहु समकोण भी, समद्वि बाहु भी, बात करें थोड़ी सी विषम बाहु की, विषम बाहु के लिए आप थोड़ा सा याद रखें कैसा करना है, कुछ नहीं करना, क्रम से 15 13 और कितना है 14 है, क्षेत्रफल बताना है, जब विषम बाहु हो कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ो, देख लो 15 दूनी 30, 1 कम 29 1 30 कितना हो गया 42, तो 42 का हाफ कर दो, पहले तीनों भुजा को जोड़ो, हाफ करो, हाफ करने के बाद अंडर रूट लिखो, हाफ को लिख दो, यहाँ इनको जोड़ो, इनका हाफ अंडर रूट में लिखो 21। अब प्रत्येक भुजा घटाओ, गुणा में लिखो, और 21 में 15 गया 6, फिर गुणा में 21 में 13 गया 8, 21 में 14 गया 7, बस अंडर रूट निकाल दो आंसर, इसका फैक्टर कर दो आप, 7 3 21 2 3 6 2 2 4 2 8 गुणा 7, ये एक 7 भार आ गया आपका, एक 3 भार आ गया, 2 कितना है 1 2 3 4, इसका मतलब 2 भार आ गया आपके, 7 3 21 2 42 2 84, इस सवाल को आप ऐसे कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें आप सभी।